फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ आकाश कुमार, बाई प्रोफेशनल ट्रेनर, ड्राइविंग स्कूल विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ। हेलो, आप लोग कैसे हैं? आज फिर एक नई वीडियो के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑटोमेटिक कार स्विफ्ट है वो कैसे चलाना होता है, कैसे उसमें गियर लगते हैं, कैसे चलाना होता है। अभी टाइमिंग हो रहा है, सो मॉर्निंग का टाइमिंग है, 10:15 हुआ है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि कैसे ये कार चलाना होता है। अभी देखिए, ये स्टूडेंट है मेरे साथ में, इनको प्रैक्टिस करानी है। इनको आज सीखते हुए करीबन 7 से 8 दिन हो गए हैं। इनको आज प्रैक्टिस करानी है इन्हीं की कार पे। न्यू कार है, देख रहे होंगे आप, स्विफ्ट कार है। ठीक है, इसको रिवर्स करके फिर बैक करना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा गियर लगाएंगे? देखिए आप, आर पे लगाइए। ठीक है, पहले ब्रेक दबाइए राइट पैर से। स्कूटी है भैया? और अच्छा, स्कूटी है तो आप आगे ले लो, डी पे लगाइए। ठीक है, डी प्लस पे लग गया ना। ठीक है, अब हल्का का ब्रेक छोड़ना होगा, धीरे धीरे राइट टर्न करना, फुल राइट टर्न करो, जाओ धीरे 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 जाते रहो आगे सामने। गुड, और जाओ हल्का सा, बस ब्रेक लगाओ। इसमें राइट पैर का यूज सिर्फ होता है। ठीक है, अब आपको रिवर्स लगाना है, आर पे कर दो। ठीक है, सिर्फ इसको आगे करके सिर्फ आर पे करो, हो गया ना। अब हल्का का ब्रेक छोड़ो, सिर्फ ब्रेक छोड़ना, बस धीरे छोड़ना और पीछे देखते रहना। ठीक है भाई, गुड, पीछे देखते रहना। ठीक है, गुड, धीरे से और हल्का से जाओ, हल्का से और जाओ। गुड, बस ब्रेक दबाओ पूरा। गुड, अब फिर से डी पे लगा दो। ठीक है, डी प्लस पे ड्राइव। ठीक है, गुड, अब फुल राइट टर्न करो, टर्न किए ना, अब निकल जाएगी, जाओ निकल जाएगी स्कूटी ना, जाओ निकल जाएगी। गुड गुड, सीधे स्ट्रीट जाना आपको। ठीक है, देखिए ये ऑटोमेटिक कार है स्विफ्ट। ठीक है, अक्षर जी, आपका क्या नाम भैया? जी अक्षर नाम है। गुड, कहाँ से आप ड्राइविंग सीखने आते हैं? जी विपुलखंड से, गोमती नगर। गोमती नगर विपुल खंड से आप ड्राइविंग सीखने आते हैं। कितने दिन आज आपको ड्राइविंग सीखते हुए हो गए हैं? जी मुझे एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते के बाद 7-8 दिन हो गए हैं ना आपको सीखते हुए। गुड, तो ये आपकी ऑटोमेटिक कार है। ठीक है, सुप जी, अभी न्यू कार आप लाए हुए हैं। ठीक है, आगे से आपको राइट जाना है, मालूम होगा आपको सिग्नल लेके जाना होगा। ये ऑटोमेटिक कार है, इसमें आपको लेफ्ट पैर का यूज नहीं करना होता है। आप देख रहे हो इसमें जो है सिर्फ जो है एक्सीलेटर और ब्रेक दिया हुआ है। क्लच नहीं, आप देख रहे होंगे नीचे, सिर्फ एक्सीलेटर है और ब्रेक है, सिर्फ राइट पैर यूज करना होता है। ए फॉर एक्सीलेटर राइट पैर से, बी फॉर ब्रेक राइट पैर से, बस क्लच का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि इसमें गियर लगाना नहीं होता। इसमें 3 गियर होते हैं या 4 होते हैं, एक डी प्लस होता है, एक एन होता है न्यूट्रल, एक पी होता है पार्किंग, और रिवर्स होता है। पार्किंग पे चाबी निकलती है और एन पे न्यूट्रल होता है, डी प्लस पे गियर लगता है, मतलब ड्राइव अपने आप गियर इसमें चेंज होते रहते हैं, स्पीड के तरीके से गियर अपने आप चेंज होते रहते हैं। राइट जाना आपको धीरे से। ठीक है, और बहुत अच्छा होता है ये कार चलाना। ठीक है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने मेरी मैनुअल कार चलाया है अक्षय जी, आप इस कार को चला के कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा कम्फर्टेबल, खासकर ट्रैफिक में तो बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होती है। गुड, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। और आप कुछ ये जो आवाज करे ना, ये सीट बेल्ट का है, इसको आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए। ठीक है, ये भी लगाता हूँ। ठीक है, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, बिना सीट बेल्ट के ड्राइव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपको खड़ी करना है तो आप इसमें क्या करेंगे? सिर्फ ब्रेक पे पैर रखेंगे ना। गुड, धीरे से ब्रेक पे पैर, धीरे से ब्रेक, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, न्यूट्रल कर दो, न्यूट्रल करके फिर कुछ किया करो, नहीं आगे गलती से अगर ब्रेक छोड़ जाएगी फिर कार आगे भग जाएगी। अब आप सीट बेल्ट लगा लो धीरे से। गुड, पहले तो यही करना होता ना, सीट बेल्ट, मिरर, ठीक है, बैक मिरर, ठीक है, सारे ऑन कर लेते हैं। ठीक है, फिर चलाना स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया चीज़। ठीक है, जाओ अब ब्रेक दबा के, इसमें जब भी गियर लगेगा ऑटोमेटिक में, जैसे मेरी कार में आप क्लच दबा के गियर लगाते हो। ठीक है, इसमें ब्रेक, और ऑटोमेटिक कोई सी भी कार है, अगर गियर लगाना है ऑटोमेटिक में तो आप ब्रेक दबा के तभी गियर लगेगा। ठीक है, और फिर जैसे स्कूटी चलाते ना, जितना एक्सीलेटर लेंगे उतनी स्पीड चलती जाएगी, वैसे इसमें भी सेम। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग, इसमें क्लच नहीं होता, इसमें सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर है, बस राइट पर का यूज होता है, बस धीरे से जाना आपको लेफ्ट। गुड, बहुत सही, गुड। इसमें देखिए अभी फर्स्ट गियर लगा मीटर पे, आप देख रहे होंगे ये फर्स्ट गियर लगा, सेकंड गियर लग गया। ठीक है, अभी हल्का सा स्पीड और बढ़ाओ, हल्का सा एक्सीलेटर छोड़ो, तो थर्ड गियर लग गया। ठीक है, अपने आप इसमें गियर चेंज होता है, और फिर जब आप स्पीड कम करेंगे अपने आप गियर जो है डाउन हो जाएंगे नीचे। ठीक है, गुड, बहुत सही, गुड। बाकी आपको इसमें सिर्फ साइड का जजमेंट, आगे का, ठीक है, और कितनी जगह पे कितनी बड़ी कार निकलेगी आप
कितनी बड़ी कार है, कितनी जगह है, उसमें आपको कैसे कार निकालना, सिर्फ आपको ये ध्यान देना पड़ेगा बस, ठीक है अक्षर जी? बाकी कुछ भी नहीं ध्यान देना पड़ेगा। गुड। आगे से फिर साइड जाना है, ठीक है? और धीरे से स्पीड ज़्यादा नहीं, स्पीड ज़्यादा नहीं, कम से कम ही चलाइए, उतनी चलाइए जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं। गुड।